नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कृषि कानूनों को लागू कर किसान विरोधी होने का प्रमाण दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के हमले का अब अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास कृषि बिल को रोकने के लिए कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने तब इस बिल को क्यों नहीं रोका। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की कमेटी में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। कमेटी के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया, इनको क्यों नहीं रोका। दिल्ली के सीएम आगे कहते हैं कि जिस दिन राष्ट्रपति ने कृषि बिल पर हस्ताक्षर कर दिए उस दिन ये कानून बन गए। किसी राज्य सरकार के पास ये ताकत नहीं है कि इसको रोक दे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर ये सब पता है तो उन्होंने मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर हमें राजनीति नहीं करनी है, न होने देनी है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार किसानों की मांग को माने और MSP की गारंटी को लिखित में दे। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पर आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए, इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं। ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते, वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने जमीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल और ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका। इससे पहले केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रहे किसानों की हिमायत करने का दावा कर रही है, जबकि दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 23 नवंबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी कर कृषि कानूनों को लागू कर दिया। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की हैरानी है कि जब किसान दिल्ली चलो की तैयारी कर रहे थे तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नोटिफिकेशन जारी कर राष्ट्रीय राजधानी में अन्नदाता के मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।